फिलहाल ये चीज एक बार आप ट्राई जरूर करिए। कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एंजॉयमेंट दोगुना हो जाएगा, लेकिन आपको गाने सुनना पसंद नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको गाने सुनना पसंद आने लगेगा। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 8D या फिर 3D साउंड के बारे में। ये क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं और क्यों अच्छे लगने लगते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुशवाहा, आप देख रहे हैं राहुल के न्यूज़। और चलिए वीडियो में जान लेते हैं क्या आपको करना है और क्या खुद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पहले से ही पता है कि 8D या 3D साउंड क्या होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आपको इसको बनाना सीखना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें बता दूंगा कि काइंड मास्टर के द्वारा इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। कहीं कहीं इस साउंड को 8D बोला जाता है तो कहीं कहीं 3D बोला जाता है। एक्चुअली में ये होता 3D साउंड ही है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉइस होती है आपको 3D में सुनाई देती है। आपने अक्सर देखा होगा YouTube पे ही सर्च करके किसी टाइटल में 8D सॉन्ग या फिर 3D सॉन्ग लिखा हुआ आता है, लेकिन आप उसे नॉर्मल तरीके से सुनते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये साउंड में क्वालिटी क्या है। लेकिन आप 3D या 8D साउंड को हेडफोन लगा के सुनेंगे तो जो वॉइस है आपको अराउंड करते हुए दिखाई देगी, मतलब ऐसा लगेगा कि साउंड चारों तरफ से आ रहा है। इसको बनाया ऐसे जाता है कि आपकी लेफ्ट और राइट वाली वॉइस को अलग अलग करके इसको हाई कर दिया जाता है, तो आपको जो वॉइस है वो जंप करती हुई सुनाई देती है, एक जिगजैग फॉर्म में सुनाई देती है, तो एंजॉयमेंट बिल्कुल दोगुना हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि हेडफोन से आवाज़ नहीं आ रही है बल्कि कमरे के चारों दीवारों से आ रही है। अब बात करते हैं कि आपको ये सॉन्ग कहाँ पे मिलेंगे, तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपको वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यूट्यूब पे किसी भी सॉन्ग का नाम डाल के और उसके आगे 3D या फिर 8D लगा दीजिए, यूट्यूब पे लगभग सारे सॉन्ग अवेलेबल हैं। और फिर भी अगर आपको अपना सॉन्ग नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए मैं किसी भी सॉन्ग को 8D साउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करना भी बता दूंगा। फिलहाल ये चीज़ एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए और उसके बाद मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।